हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। तो ये है मेरे पास में दोनों ही स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A52 और A62। ओके, तो आज हम करेंगे म्यूज़िक शेयर के बारे में बात, यानी कि एक्चुअल में कैसे काम करता है म्यूज़िक शेयर, जो कि बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। तो सोचा कि आपको मैं बता दूँ। तो ये रहा मेरे पास में एक ब्लूटूथ का स्पीकर, और आज हम करेंगे दोनों ही ये सैमसंग के स्मार्टफोन को इसके साथ में कनेक्ट। ओके, तो कैसे काम करता है म्यूज़िक शेयर, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है। तो सबसे पहले करते क्या हम कि इसके साथ में इसको जो है वो कनेक्ट करते हैं। अगर आपके फ़ोन में म्यूज़िक शेयर नहीं देखने मिलता, तो सिंपल से आपको जाना है टॉगल्स में, प्लस के ऊपर टैप करना है। ओके, और आपको ये जो म्यूज़िक शेयर है यहाँ पे मिल जाएगा छुपा हुआ। आपको यहाँ पे सिंपल से इसे ड्रैग करना है, इस तरह से नीचे ले करके आना है, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये है म्यूज़िक शेयर कैसे करते हैं, आपको मैं बताता हूँ डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस स्मार्टफोन के ऊपर कनेक्ट करते हैं, जो कि F62 है। ये रहा म्यूज़िक शेयर, इसे हमने ऑन किया। कुछ सेटिंग्स होती है, तीन सेटिंग्स होती है, हमें जाना है डिटेल्स के ऊपर। ओके, और यहाँ पे हमें देखने मिलता है स्टार्टिंग में शेयर डिवाइस विथ, यहाँ पे होता है कॉन्टैक्ट्स, आपको करना है एवरीवन। ओके, यहाँ पे होता है आस्क फॉर परमिशन टू कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपको एवरी टाइम कर लेना है। और यहाँ पे होता है डिसकनेक्ट व्हेन नथिंग इज प्लेड फॉर। ओके, 10 मिनट तक ठीक है, तो आप 10 मिनट, 30 मिनट या फिर डोंट डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हमने सिंपल से इस सेटिंग को कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है, बैक निकल जाना है। आपको ऑन करना है ब्लूटूथ। ओके, इस तरह से, और ये ब्लूटूथ स्टार्ट हो चुका है, हमने इसे स्टार्ट कर रखा है। ओके, और यहाँ पे इसका जो नंबर है A005 है, तो यहाँ पे हम इसे टैप करते हैं, इसने स्कैन कर लिया था, कनेक्टेड, ये हो चुका है कनेक्टेड। ओके, हम सॉन्ग प्ले करते हैं। ओके, तो डन, और यहाँ पे एक NCS वाला सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, जो कि इससे कॉपीराइट नहीं आएगा हमें। प्ले, तो ये तो कनेक्ट हो चुका है एक स्मार्टफोन इसके साथ में। अभी हम इसे भी कनेक्ट करते हैं, तो ये वैसे ही काम करता है म्यूज़िक शेयर, यानी कि आप अपने म्यूज़िक को जो है वो, यानी दो स्मार्टफोन को जो है इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं म्यूज़िक शेयर को ऑन। यहाँ पे सेटिंग बिल्कुल सेम रहेगी डिटेल्स में जाने के बाद में। यहाँ पे एवरीवन करना है, यहाँ पे एवरी टाइम करना है, और यहाँ पे 10 मिनट कीजिए, 30 मिनट कीजिए, या फिर डोंट डिस्कनेक्ट कीजिए। यानी कि होगा क्या कि अगर 10 मिनट से अगर ज़्यादा आपके फ़ोन में कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा है, तो ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ओके, इस तरह से इसकी सेटिंग होती है। तो यहाँ पे हमें सिंपल से बैक निकल जाना है, ब्लूटूथ को ऑन करना है। ओके, और यहाँ पे ये करेगा स्कैन। ओके, और यहाँ पे आपको जो है इस बार इस तरह से आएगा, ये देखिए, यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन देखने मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा, जो कि वाया होम, यानी कि ये स्मार्टफोन का नाम जो है होम है। ओके, मैंने रखा हुआ है, तो ये वाया होम दिखाएगा। ओके, तो ये देखिए A005, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, क्लिक किया, यहाँ पे मुझे आता है एक नोटिफिकेशन। ओके, तो क्योंकि ये प्राइमरी डिवाइस है, क्योंकि इससे मैंने इसको कनेक्ट किया था पहले। ओके, और अभी ये दूसरा डिवाइस है जो कि ये कनेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसे कनेक्ट करना होगा तो ये इससे परमिशन मांगेगा। ओके, तो यहाँ पे ये कनेक्शन के लिए परमिशन मांगता है, आशीष A52 wants to connect to your A05। ओके, तो ये जो स्मार्टफोन है A52, ये परमिशन मांगता है इसे कनेक्ट करने के लिए आपसे। ओके, अलाउ करते हैं आप, अरे सॉरी, ये जा चुका था, सॉरी, तो हम इसे फिर से करते हैं। ओके, तो ये देखिए आ गया, अलाउ कर दिया। ओके, अब ये भी स्मार्टफोन हो चुका है कनेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका फंडा क्या है कि ये देखिए, अगर आप है ना साउंड को, वॉल्यूम को बढ़ाते हो, तो इधर का बढ़ेगा तो इधर का भी बढ़ेगा, कम होगा तो इधर भी कम होगा। ओके, तो एक ही फ़ोन के साथ में आप इसका भी जो है वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, इसके साथ भी आप जो है इधर का कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए, इधर का भी कंट्रोल हो रहा है। ओके, हम यहाँ पे इसके ऊपर सॉन्ग प्ले करते हैं। ओके, dreaming come true, sure passion every time.
तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों ही जो है वो स्मार्टफोन इसके साथ में कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये सॉन्ग चालू। ये देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप इसको प्ले करते हो तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ओके, तो दोनों टाइम पे दोनों प्ले नहीं हो सकते। अगर ये प्ले होगा तो अगर आप इसे स्टार्ट करते हो तो फिर ये बंद हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का जो कंट्रोल है, आप एक स्मार्टफोन साथ में दूसरे का भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए, अभी यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन जो है कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे आप अलग अलग सॉन्ग प्ले कर सकते हो। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, अब ये देखिए, ये अलग वाला कोई सॉन्ग है तो ये वाला मैं प्ले करता हूँ। अभी मैं इधर वाला प्ले करता हूँ। तो कुल मिला के इस तरह से यहाँ पे जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं और आप दोनों स्मार्टफोन के साथ में म्यूज़िक का एक्सपीरियंस ले सकते हो, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन को शेयर कर सकते हो। ओके, एक स्पीकर के साथ में इस तरह से था म्यूज़िक शेयर ऐसे काम करता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट्स हो तो दोस्तों बताना कमेंट के अंदर। बस इतना आज के वीडियो में, मिलता हूँ ऐसे ही कमाल धमाल वीडियो के साथ में। बाय बाय दोस्तों।